वेलकम बैक टू सुप्रीम परीक्षा सुप्रीम परीक्षा के इस ऑफिशियल चैनल पर मैं हरीश हरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 28, 29 और 30 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले भी जो है एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिए है अगर आपने उन एमसीक्यूज uh, को नहीं देखा है तो हमारे प्ले में जाके जो है आप उसको देख सकते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज कैप्टन फॉर द आईसीसी वनडे इंटरनेशनल ओके आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेट तो ये जो मिला है आप देख पा रहे हो यहां पर एम एस धोनी जी को ओके okay? महेंद्र सिंह धोनी जी को जो है ये अवार्ड मिला है कौन सा तो कैप्टन फॉर द आईसीसी वन डे इंटरनेशनल टीम ओके ऑफ द डिकेट यह पहला अवार्ड मिला है टोटल तीन अवार्ड मिले हैं एम एस धोनी जी को तो यह पहला अवार्ड है सेकंड अवार्ड जो है इनको मिला है वो है स्कीपर ऑफ कीपर ओके ऑफ़ आईसीसी टीम ऑफ़ डिकेट ओके ये सेकंड अवार्ड मिला है स्कीपर ऑफ द आईसीसी 2020 टीम ऑफ द डिकेट और थर्ड अवार्ड जो इनको मिला है वो है आप यहां पर देख पा रहे हो सेकेंड क्वेश्चन में एम द प्लेयर अवार्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेट 2020 ये भी जो है महेंद्र सिंह धोनी जी को ही मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेट 2020 तो टोटल तो टोटल तो 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 तीन अवार्ड हो गए ओके okay, महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम पर पहला हुआ है कैप्टन फॉर द आईसीसी वन डे इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेट सेकंड है कीपर ऑफ द आईसीसी ट्वेंटी ट्वेंटी टीम ऑफ द डिकेट और थर्ड अवार्ड इनको मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड

डेली आप देख पा रहे हो डेली मेट्रो ड्राइवर लेस नेक्स्ट क्वेश्चन टाइटल ऑफ सर गार्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ओके हु हैज वन द टाइटल फॉर सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तो आप यहां पर देख पा रहे हो ये है विराट कोहली जी ओके इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली जी इनको जो है सर सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ अवार्ड मिले हैं विराट कोहली को, तो है देखिए हुई प्लेयर हैज बीन एज कीपर ऑफ लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डेट तो ये भी जो है विराट कोहली जी को ही मिला हुआ है ओके तो टोटल दो अवार्ड है ये है ये सेकंड अवार्ड स्कीपर ऑफ द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट टीम ये टेस्ट में मिला है इनको ठीक महेंद्र सिंह धोनी जी को वनडे में मिला था और ये भी इनको जो है आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द जी को जो है, मिला है. ये विच नहीं है एक्स्ट्रा है नवाल फोर्सेस ऑफ विच कंट्री द इंडियन नेवीज सब मराइन आई एन एस सिंधुवीर इन इज फ्लीट इन इट्स फ्लीट रिसेंटली तो जो है इंडिया ने किस कंट्री के नवल नेवी को जो है आई एन एस सिंधुवीर जो है कमीशन कर दिया है तो ये कंट्री है म्यांमार म्यांमार को जो है कमीशन कर दिया आ, 20 अक्टूबर 2020 को ओके okay, 20 अक्टूबर 2020 को जो है इन्होंने आ, जो आई एन एस सिंधुवीर को जो है आ, मतलब इनको हैंड ओवर कर दिया था म्यांमार को उसके बाद में 25 दिसंबर अभी अभी 25 दिसंबर 2020 को जो है म्यांमार uh, ने इसको कमीशन किया है uh, जो उसका सेवनटी थर्ड ओके म्यांमार नेवी का जो है सेवनटी थर्ड एनिवर्सरी था उसके uh, मतलब चलते हैं जो है म्यांमार ने इसको कमीशन कर दिया है ठीक है आईएनएस सिंधुवीर को नेक्स्ट क्वेश्चन अंशु मलिक इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट अंशु मलिक इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट तो ये है रिलेट करती है रेसलिंग से ओके okay, अंशु मिलिक जो है वो रिलेट करती है रेसलिंग से एक्चुअली में बेलग्रेड को तो ध्यान में रखिए में अभी अभी जो है फिनिश किया था पोडियम एक स्टेज होती है रेसलिंग की वहाँ पर इन्होंने जो है जाकर फिनिश कर दिया था ठीक है तो यह बहुत ही प्राउड की प्राउड वाली बात है ओके इंडिया के लिए तो अब ध्यान में रखना नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन हुबर हु हैज अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच गेमिंग इवेंट तो ये है फॉर्मर रेसलर के रेसलिंग से ये रिलेट करते थे जॉन हुबर इनको ध्यान में रखना देखिए ये जो रेसलर्स होते हैं तो रिंग में आप देख रहे हो ये रिंग में खड़े हैं ओके रेसलिंग के लिए रिंग में ये जो रिंग दिख रही है रस्सी दिख रही है उसके अंदर खड़े हैं तो देखिए इनका रिंग रिंग में जो है अलग नाम से इनको पुकारा जाता था जॉन हुबर का उसको ध्यान में रखिए इसको इनको जो है रिंग, रिंग इनका रिंग नेम ओके इनका रिंग नेम था लुक लुक हारपर आरपर ओके रिंग नेम था और और एक बात ध्यान में रखनी है ए ई डब्ल्यू मतलब ऑल इलाइट रेसलिंग ऑल इलाइट रेसलिंग इन्होंने जो भी है इनको एक रिंग नेम दिया था उनको दिया था प्रोडी डी ओके इनको जो है रिंग नेम दिया था ए डब्ल्यू -E ने EW मतलब होता है ऑल इलाइट रेसलिंग ब्रोडी ली ठीक है इनकी जो है रिंग नेम है लुक हार्पर और ब्रोडी ली अगर आप पूछे जाते हैं आपके में में तो इसको ध्यान में रखना है ये जो है नाम है रिंग नेम है जॉन हुबर के जो रिलेट करते हैं रेसलिंग से रशियन प्लेयर हैज बीन बैन फ्रॉम विच स्पोर्ट रिसेंटली फॉर बेटिंग एंड फिक्सिंग चार्जेस ओके तो बी डब्ल्यू एफ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इनको जो है पांच साल का जो है इन पर बयान कर दिया है इनका नाम है निकिता खाकिमो रशियन शटलर है okay, तो ये है रशियन शटलर निकिता खाकिमो तो आप ध्यान में रखिए पीएम मोदी हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ हंड्रेड किसान रेल ऑफ इंडिया दिस न्यू सर्विस हैज बीन स्टार्टेड टू लिंक विच स्टेट्स पीएम मोदी हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान रेल ऑफ इंडिया तो दिस न्यू सर्विस हैज बीन स्टार्टेड टू लिंक तो ये से महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सूत्र निवेदना सूत्र एक अनुभव सूत्र निवेदना सूत्र एक अनुभव तो so, इनके जो ऑथर है वो है इसको आप ध्यान में रखिए रूपा चारी जी रूपा चारी जी निवेदना ची सूत्र एक अनुभव इनके जो ऑथर है चारी जी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील कोठारी हैज अवे रिसेंटली वॉज द नोटेड हिस्टोरियन सुनील कोठारी जी जो है वो कौन थे वो पूछ रहे हैं तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था पद्मश्री अवार्ड ही okay, तो ध्यान में रखना तो ये थे इंडियन डांस से इंडियन डांस इंडियन डांस पद्मश्री अवार्ड ही कोठारी जी, इंडियन नेवी हेल्ड इन विच रीजन द इंडियन एंड रीजन तो इसको आपको ध्यान में रखना है ये हुआ था साउथ चाइना सी में साउथ इंडियन एंड वेतनामीज का जो है आ, ये जो है आ, जो हुआ था साउथ चाइना सी में इसको आप ध्यान में रखें। नेम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी नेम द फर्स्ट यूर इंडियन प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली टेस्ट फायर सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजिन डब एज कलाम फाइव फाइन कलाम फाइव तो कलाम जी के नाम पर जो है आ, इनको नाम दिया गया है ठीक है द नेम द फर्स्ट ईयर इंडियन प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली टेस्ट फायर कंपनी का नाम पूछ रहे हैं तो यह है स्काई रूट एरोस्पेस कलाम फाइव को जो है Uh, ये जो टैगऑफ करने वाले हैं टाइरूट एरोस्पेस तो आप ध्यान में रखिए ठीक है लास्ट क्वेश्चन इलिसे पेरी पेरी हैज वन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड वन डे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेड एंड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी ओके इलिस पेरी तीन अवार्ड जी, जीते हैं इन्होंने आईसीसी वुमन प्लेयर ऑफ द डिकेड इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेट एंड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द तो पूछ रहे हैं कि कौन से कंट्री से है तो ये है आपको आ, मतलब ड्रेस कोड देख के पता चल गया होगा ये है ऑस्ट्रेलिया से इली से, से पेरी तो ये थे आपके 28, 29 और 30 दिसंबर 2020 के टॉप 15 करंट अफेयर्स तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग स्टे कॉन्फिडेंट